पुण्यात्माओं, आज सुबह के सत्संग में एक प्रसंग चला था। परमेश्वर कबीर देव जी जब तपतशिला पर आए, जहाँ पर वो काल जीव भून रहा था खाने के लिए 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को, तो वहाँ आकर के जब उनसे वार्ता की, परमात्मा देव पूछ रहे थे, वहाँ पर वो ब्राह्मण भी थे, वो ऋषि भी थे, वो गुरु भी थे। उनसे पूछा, तुम क्या साधना करते हो? उन्होंने बताया कि हम वेदों अनुसार ओम नाम का जाप करते थे और करवाते थे, और समाधि भी लगाते थे, मेडिटेशन भी करते थे, और फिर भी उनकी वह तपतशिला के ऊपर दुर्गति हो रही थी। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी यह साधना क्या आड़े अड़ी, अब क्या साधना थी तुम्हारी, दुर्गति हो रही है? तब तो वो मान गए, हाँ जी हमारे कोई आड़े नहीं आई। तो परमात्मा ने बताया कि तुम ओम नाम का जाप जपते थे, हाँ जी, और ये भी बताया उन्होंने कि हम गायत्री मंत्र जाप करते थे, तप और हवन भी करते थे। तो परमेश्वर ने बताया कि जैसे यज्ञ क्या चीज होती है, ये 5 यज्ञ होती हैं, 500 यज्ञ करनी चाहिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। इन ज्ञान यज्ञों से क्या लाभ है? यज्ञों से मोक्ष नहीं है, यज्ञों से मोक्ष नहीं होता। एक मंत्र है परमात्मा के पाने का, एक नाम है, मंत्र है, जाप है, उससे मोक्ष होता है। लेकिन उस मोक्ष प्राप्ति में ये यज्ञ सहयोगी हैं, ये यज्ञ सहयोगी हैं। कैसे? जैसे खेत में किसान बीज बीजता है, गेहूं का बीज बीज दिया और खाद और पानी डाला नहीं तो बीज व्यर्थ रहेगा, और यदि गेहूं का बीज बीजा नहीं और खाद और पानी डालते रहे, सिंचाई भी करते रहे, तो वो भी व्यर्थ है। गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो दी, गेहूं ना बीज कर, तो और फिर ये 500 यज्ञ करते रहे, अर्थात खाद पानी डालते रहे, तो भी व्यर्थ है, क्योंकि अन्न से हमारा जीवन सुरक्षित है, बच्चों का भी, हमारा भी। अब ध्यान से सुनना ये दास कहना क्या चाहता है। जैसे हमने आम का पौधा बीजना है, आम का पौधा बीज दिया, उसमें खाद और पानी डालते रहे, तो एक दिन वो बड़ा होकर के फलों से लदबद्ध होगा और हमें वो वस्तु उपलब्ध होगी जिसके लिए प्रयत्न किया था। और आम के स्थान पर हमने बबूल आम जान कहे और बबूल का पौधा बो लिया और सिंचाई भी करते रहे, खाद भी डालते रहे, तो वो क्या देगा? आम नहीं लगेंगे, वो बबूल के कांटे ही मिलेंगे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ने कहा कि तुमने ओम नाम का जाप किया, हवन भी किया, एक यज्ञ किया, वैसे तो 500 यज्ञ करने चाहिए। वैसे दूसरा यज्ञ स्वाध्याय से हो जाता है, जिसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अब परमात्मा बताते हैं कि तुमने प्रयत्न किया, लेकिन बबूल का बीज बो लिया, ओम का मंत्र जाप कर दिया, ये बबूल का बीज है, और हवन यज्ञ धर्म यज्ञ ये मान लिए, ये भी आपने कर ली, खाद पानी भी डाल दिया, तो बबूल का पेड़ पाक गया, आम का बीज बोया नहीं। अर्थ कहने का भाव ये है कि आप जी ने पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं की, इस काल ब्रह्म तक की साधना की, या ब्रह्म के पुत्र हैं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, इन देवताओं की जो पूजा की, इससे तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता, जिस कारण से आप यहां तपतशिला पर दुखी हो रहे हो, और इसके बाद आप कुछ दिन ब्रह्म लोक में रहोगे, क्योंकि ओम नाम के जाप तय, उसके बाद
आप नरक में भी जाओगे, क्योंकि पूर्ण परमात्मा की जब तक भक्ति हमें नहीं मिलती पूर्ण संत के माध्यम से, तब तक हम अपना वर्क डन ही पाते हैं, किया हुआ कर्म ही प्राप्त होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल यहाँ का भगवान देता है। आपको पुण्य भी मिलेंगे, पुण्यों का फल भी मिलेगा, भक्ति का फल भी मिलेगा। जैसी ओम नाम की जाप आपने किया और कोई पुण्य दान किया वो भी फल मिलेगा, और साथ में आपने पाप भी भोगने पड़ेंगे। अब यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ इस काल के लोक में काल ने हमें इतना विवश कर दिया है कि जैसे यहाँ पर पाप तो अपने आप बिना किए बगैर प्रयत्न के ही होते रहते हैं, और पुण्यों के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, शुभ कर्म के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, और अशुभ अपने आप होते हैं। जैसे खेत के अंदर हमने गेहूं बीजना है तो उसके लिए कितना मेहनत मांगता हो खेत, पहले उसकी गुड़ाई करनी पड़ती है, हल से ट्रैक्टर से उसको संवारना पड़ता है, और फिर उसमें कीमती बीज डालना पड़ता है, फिर सिंचाई और खाद डालना पड़ता है, और तब जाकर के वो कहीं हमें वो कणक यानी गेहूं प्राप्त होता है। और यदि उस खेत में कुछ भी ना डाला, ना बीज बोए ना कुछ पानी डाले, तो अपने आप खरपतवार उसमें अपने आप अड़ंगा उग जाएगा। यहाँ का ऐसा नियम है, जब हम सत साधना करेंगे परमात्मा की भक्ति करेंगे तो उसके लिए हमने समय भी डिवोट करना पड़ेगा, और हमने दान भी करने पड़ेंगे, साधना भी करनी पड़ेगी। शुभ कर्मों के लिए तो खूब कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और अशुभ अपने आप हो जाएंगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे, सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्ता, ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई, खान पान में दमन प्राणी, कैसे पावो मोक्ष निशानी। अब परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को जो शास्त्र विधि त्याग का मनमानी साधना मनमाना आचरण करते हुए फिर रहे थे, तीर्थों पर जा रहे थे, राम और कृष्ण शंकर भगवान की पूजा करते थे, उसको परमेश्वर ने बताया था कि धर्मदास जी आप यहाँ तीर्थ पर आए हो मथुरा में, बांधोगढ़ से चलकर, मध्य प्रदेश में बांधोगढ़ है और उत्तर प्रदेश में ये मथुरा है, वहाँ से चलकर धर्मदास जी पैदल आए थे, आज से 600 वर्ष पहले की बात है, 550 वर्ष पहले। तो धर्मदास जी कह रहा था कि हम जीव हिंसा नहीं करते, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी वहाँ उस समय एक मुसलमान फकीर के रूप में विराजमान थे और प्रश्नोत्तरी चल रही थी। जब परमेश्वर कबीर देव जी ने बहुत से प्रश्न उसके रिजेक्ट कर दिए तब उसको दुख हुआ, कहने लगा कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम पाप नहीं करते। धर्मदास जी ने व्यंग कर दिया, टोंट कस दिया कि ये सामने बैठा फकीर मुसलमान है, और उस पर कहा कि हम जीव हिंसा नहीं करते। तब परमेश्वर कबीर जी ने उसकी हिंसा गणवाई थी। धर्मदास जी ने क्या किया था मथुरा में, पहले कुछ गाय के गोबर से और मिट्टी मिला करके कुछ स्थान लीपा था, मड प्लस्टर किया था उसके ऊपर के, और वहाँ बैठ के पहले तो उसने अपना नित नियम किया, प्रतिदिन जो स्वाध्याय करता था, कर्मकांड करता था, कोई मंत्र जाप करता था, उसके बाद फिर उसी स्थान पर भोजन तैयार किया, लीप लाप के ऐसे ही भोजन तैयार किया, अपना खाना बनाया। तो परमात्मा ने कहा कि सत्र ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या, जो प्रतिदिन तुम पोचा लगाते हो। अब आजकल तो पोचा हो गया, पहले गोबर और गारा मिला करके ऐसे लीपा करते थे पूरे कमरे को, मकान को, उसके फर्श को। और कहते हैं जो तूने लकड़ियां जलाई उसमें जीव मरे,
तूने जो ये लिपा इसमें जीवन सा हुई, और जिस मथुरा के तालाब में धर्मदास जी तूने स्नान किया, और धर्मदास के पास एक उसी सरोवर से उस तीर्थ का जल लोटे में रखा था, उस लोटे वाले जल में जीव तिलमिला रहे थे, ऐसे घूम रहे थे। तो परमेश्वर ने कहा कि देख इस तेरे लोटे में सरोवर वाले जल में जिसमें तू नहाकर मोक्ष चाहता है, स्नान करके मुक्ति समझ रहा है भोले आदमी, इसमें कितने जीव हैं, और तूने इस जोड़ में प्रवेश करके इस मथुरा के तालाब में और स्नान किया, ऐसे मसल मसल कर ना जाने कितने जीव तूने रगड़ रगड़ कर मार दिए, और मथुरा से यहां तक तू आया, पैरों के नीचे कितने जीव मार डाले तूने, कोई काउंटिंग नहीं हो सकती।